कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू लगातार कई मामलों पर अपनी ही सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। हाल ही में उन्होंने प्रदेश की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर बिजली की स्थिति को लेकर हमला बोला था। हालांकि पंजाब में बिजली की स्थिति पर शुक्रवार को चिंता जाहिर करने वाले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर प्रदेश की बिजली कंपनी का कथित रूप से 8 लाख रुपए से अधिक बकाया है। वहीं पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार अमृतसर स्थित सिद्धू के घर का बिजली बिल 8 लाख से अधिक हो गया है, जो अब तक जमा नहीं किया गया है। अब बिजली जमा करने की आखिरी तारीख 2 जुलाई है। बार बार प्रयास के बावजूद सिद्धू इस पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके हैं। वहीं पंजाब में बिजली की किल्लत के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान किए गए बिजली खरीद समझौते को रद्द करने के लिए नया कानून लाने का शुक्रवार को आग्रह किया। सिद्धू ने कहा है कि अगर राज्य की सही दिशा में काम करता है तो पंजाब में बिजली कटौती या कार्यालय के समय नियमित कराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं राज्य सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के कार्यालयों के समय शुक्रवार को कटौती करने और ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले उद्योगों को बिजली आपूर्ति में कटौती करने का आदेश दिया था। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।